Praise God. Praise God. Praise God. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Once again, I welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ. We can smile. हम हंस सकते हैं. And we can shout. और हम चिल्ला सकते हैं. Praise God. Let's pray. प्रार्थना करें. Close our eyes. हमारी आंखें बंद करें. And ask Lord to forgive us. और परमेश्वर से कहें कि वो हमें माफ करे. Ask Lord to give us strength. और परमेश्वर से सामर्थ मांगे. Ask God to teach and talk to us. और परमेश्वर से कहें कि वो हमारे साथ बात करे और हमें सिखाए. Teach us. और हमें सिखाए. Father, we come in Jesus name. पिता, हम यीशु के नाम में आते हैं. By faith we bow down ourselves. और विश्वास के साथ हम आपके सामने झुकते हैं. We want to listen your voice. हम आपका आवाज सुनना चाहते हैं. And whosoever are listening. और जो कोई भी सुन रहे हैं. Let they learn your word. वो आपके वचन को सीखे. Let they know that you are the great teacher. वो ये सीख जाए कि आप ही महान शिक्षक हो. You are the teacher. आप शिक्षक हो. And we are your student. और हम आपके विद्यार्थी. We are your disciple. हम आपके चेले हैं. Teach us. हमें सिखा. For we need your teaching. क्योंकि हमें आपके शिक्षण की जरूरत है. Father, we pray in Jesus name. पिता, हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. Talk to us. हमारे साथ बात कर. Amen. Amen. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Our God is God who speaks with His people. हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों से बात करता है. The God who keep relation with His people. ये परमेश्वर ऐसा है जो अपने लोगों के साथ संबंध रखता है. The God who speaks and teach His people. परमेश्वर जो अपने लोगों के साथ बात करता है और उनको सिखाता है, वो परमेश्वर. We never ask that Lord teach us. हम कभी ये नहीं कहते कि प्रभु मुझे हमें सिखा. We just say, Lord, I am listening. You talk to me. हम केवल ऐसा ही कहते हैं कि प्रभु मैं सुन रहा हूँ, तू मेरे साथ बात कर. We have never been a student to our Lord. हमारे प्रभु के सामने हम कभी विद्यार्थी नहीं बने हैं. We have never said, I want to learn. हमने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ. Whole life we have to learn. पूरा जीवन हमें सीखना चाहिए. We learn many times by our experience and by God's work. और परमेश्वर के काम के जरिए और हमारे अनुभव से हम बहुत बार सीखते हैं. In Psalm 94 and verse 12. भजन संहिता 94 अध्याय और उसका 12वां वचन. Lord, you teach me. प्रभु David prays. David दाऊद ने प्रार्थना की कि प्रभु तू मुझे सिखा. And whom you teach from your Scriptures is blessed person. और तेरे वचनों में से तू जिसे सिखाता है वो आशीर्वादित व्यक्ति है. We learn from Bible. यदि हम बाइबल में से सीखते हैं. We are blessed people. तो हम आशीषित लोग हैं. We are happy people. और हम खुश लोग हैं. Praise God. परमेश्वर की महिमा. But we don't learn from Bible. लेकिन हम बाइबल में से नहीं सीखते. We learn after God's punishment. हम परमेश्वर की शिक्षा होने के बाद सीखते हैं. We learn after our experience. और हमारे अनुभव के बाद हम सीखते हैं. After falling down, we learn. और गिर जाने के बाद हम सीखते हैं. So people teach like that. इसीलिए लोग ऐसा सिखाते हैं. Unless he will not fall, he will not learn. जब तक वो गिरेगा नहीं, तब तक वो नहीं सीखेगा. He must fall down. उसे गिरना ही चाहिए. So he will learn. तब वो सीखेगा. God. We must not say, God, you punish me and teach me. हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रभु मुझे शिक्षा करो और सिखा. We must say, you teach me from your scriptures. हमें ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु तेरे शास्त्रों में से, तेरे वचन में से मुझे सिखा. For if God will punish, क्योंकि यदि परमेश्वर शिक्षा करेगा, we will not learn. तो हम सीखेंगे नहीं. We will just be angry with God. हम केवल परमेश्वर के साथ गुस्सा करेंगे. We have not saw the God angerness. परमेश्वर का क्रोध हमने नहीं देखा है. When Jesus was on ministry, जब यीशु सेवकाई में थे. In John 7 and 15, यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय और 15वां वचन. Jews were surprised when Jesus preached.
जब यीशु प्रचार कर रहा था तब जो यहूदी लोग थे उनको आश्चर्य हुआ. And they said, और उन्होंने कहा, This Jesus had never learned. कि ये यीशु ने कभी सिखा नहीं है. How he preach like that? और इस प्रकार वो कैसे प्रचार कर सकता है? They said that Jesus didn't learn. वो ऐसा कहते थे कि यीशु ने कुछ सिखा नहीं है. But Jesus learned when he was on earth. लेकिन यीशु जब पृथ्वी पर था तब उसने सिखा था. He was learned by God. परमेश्वर से सिखा हुआ था. He was taught by God. और परमेश्वर ने उसे सिखाया था. Many time we learn by experience. बहुत बार हम अनुभव से सीखते हैं. We learn by animals. और बहुत बार हम जानवरों से सीखते हैं. We learn by men. और इंसानों से हम सीखते हैं. We learn by punishment. और शिक्षा पाने से हम सीखते हैं. We learn by lessons or examples that we see on earth. और कुछ सीख मिलती है और जो उदाहरण मिलते हैं उससे हम ये पृथ्वी पर सीखते हैं. If a person, if he marries 7 times, यदि कोई व्यक्ति 7 बार शादी करता है, 8 times I think he will be perfect how to marry. और आठवीं बार शायद वो संपूर्ण हो जाएगा ये सीखकर कि कैसे शादी करनी चाहिए. We fail every time. हम हर बार निष्फल होते हैं. Because we don't learn from scriptures. क्योंकि हम शास्त्र में से नहीं सीखते. We don't learn by God. हम परमेश्वर से नहीं सीखते हैं. Hebrew 5. इब्रानियों की किताब पत्री उसका 5वां अध्याय. In verse 8 it is written. और 8वें वचन में लिखा है. Jesus suffered. यीशु ने दुख उठाया. And he learned the obedience. और उसमें से वो आज्ञाधीन कैसे होना है वो सीखा. If you see a obedient son, यदि आज्ञाकारी पुत्र को आप देखो, then you will say, I will also be obedient. तब आप ऐसा कहोगे कि मैं भी आज्ञाकारी बनूंगा. Unless you don't see example, जब तक तुम उदाहरण नहीं देखते, you don't follow. तब तक आप उसके अनुसरण नहीं करते. That is true. ये सच बात है. If you see a miracle worker. यदि आप कोई चमत्कार करने वाले को देखते हो, you will say, I also want to be a miracle worker. तो आप ऐसा कहोगे कि मैं भी चमत्कार करने वाला बनना चाहता हूँ. If you see a good preacher, यदि आप एक अच्छा प्रचार करने वाला देखते हो, you will say, I also want to be a good preacher. तो आप भी ऐसा कहोगे कि मैं अच्छा प्रचारक बनना चाहता हूँ. Because you see and so inspiration, so you get inspiration. क्योंकि आप देखते हो और वो देखने से आपको प्रेरणा मिलती है. Jesus learned from God. यीशु परमेश्वर से सीखा. वी सी प्रीचर. हम प्रचारकों को देखते हैं. वी सी सिंगर. हम गायक को देखते हैं. एंड वी लर्न एंड वी फॉलो. हम उनमें से सीखते हैं और फिर उनके पीछे चलते हैं. बट जीसस लर्न फ्रॉम गॉड. लेकिन यीशु ने परमेश्वर से सीखा. इन John 6 योहन्ना का सुसमाचार 6वां अध्याय एंड 45 वर्स और 45वां वचन. लर्न फ्रॉम गॉड. परमेश्वर से सीखो. इट इज रिटन इन द Books of prophet. ये प्रभु भविष्यवक्ताओं की किताबों में लिखा है. There is prophecy. कि प्रबोधवाणी है, भविष्यवाणी है. That was prophecy. और वो भविष्यवचन था. All will be taught by God. कि सबको परमेश्वर सिखाएगा, सब परमेश्वर से सीखेंगे. We can say, this is prophecy. हम ये कह सकते हैं कि ये भविष्यवचन है. This is prophecy. ये भविष्यवचन है. All will learn by and from God. परमेश्वर से और परमेश्वर के द्वारा सब सीखेंगे. All will be taught by God. और परमेश्वर के द्वारा सब कुछ सिखाया जाएगा, सबको सिखाया जाएगा. If I learn from God, यदि मैं परमेश्वर से सीखता हूँ, the prophecy is been fulfilled. तो ये जो भविष्य वचन है वो पूरा हुआ है. And if you learn by man, और यदि आप इंसानों से सीखते हो, and you say I am learned, और आप ऐसा कहो कि मैं सीखा हुआ हूँ, then you are not according to prophecy. तब आप भविष्य वचन के साथ नहीं चल रहे हो. Jesus said, prophecy is there. यीशु ने कहा कि ये भविष्य वचन है. People will learn from God. कि लोग परमेश्वर से सीखेंगे. They will be taught by God. और परमेश्वर लोगों को सिखाएगा. God will teach them. परमेश्वर उनको सिखाएगा. And if I am taught by God, और यदि मुझे परमेश्वर से परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, that means I For me there was prophecy. तो मेरे लिए वो भविष्य वचन था. You can say Bible. आप ऐसा कह सकते हो कि Bible
In Bible there is prophecy for me. कि बाइबल में मेरे लिए भविष्य वचन है। You can say. आप ऐसा कह सकते हो। You can say. बाइबल मेरे लिए भविष्य वचन है। In Bible there is written about me. और बाइबल में मेरे बारे में लिखा हुआ है। In Bible there is written about me. बाइबल में मेरे लिए लिखा गया है। There is prophecy for me. और भविष्य वचन है मेरे लिए। There is prophecy. भविष्य वचन है। I will taught by God. कि मुझे परमेश्वर सिखाएगा। God himself will teach me. परमेश्वर खुद मुझे सिखाएगा। You can say, Lord will teach me. आप ये कहोगे कि परमेश्वर मुझे सिखाएगा। Lord, you will teach me. प्रभु तू मुझे सिखाएगा। God, there is prophecy for me. भविष्य वचन है मेरे लिए। Amen. Amen. You will be learned by God for this prophecy for you. परमेश्वर आपको सिखाएगा क्योंकि ये भविष्य वचन आपके लिए है। We learn by people. हम लोगों से सीखते हैं। That is not prophecy. ये भविष्यवचन नहीं है। We learn by experience. हम अनुभव से सीखते हैं। That is not prophecy. ये भी भविष्यवचन नहीं है। We learn by animals. हम जानवरों से सीखते हैं। We learn by animals. हम जानवरों से सीखते हैं। We learn by Satan also. और शैतान से भी हम सीखते हैं। We learn that Satan still he is working. हम ये सीखते हैं कि आज तक शैतान काम कर रहा है। शैतान इज वेरी हार्ड वर्कर। शैतान सख्त मेहनत करने वाला है। एंड वी ऑल्सो मस्ट लर्न वी मस्ट ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। और ये उदाहरण से हमें भी सीखना चाहिए। बट वी डोंट लर्न फ्रॉम शैतान। लेकिन हम शैतान से नहीं सीखते। अवर गॉड इज मोर हार्ड वर्कर। हमारा परमेश्वर उससे भी ज्यादा मेहनत करने वाला है। आमेन। आमेन। अवर गॉड इज फॉरगिवर। हमारा परमेश्वर माफी देने वाला है। And we learn from God. और हम परमेश्वर से सीखते हैं। Our God loves so much. और हमारे परमेश्वर ने बहुत प्यार किया। So we love people because God taught. कि इसीलिए हम लोगों से प्यार करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया। So that is prophecy that God will teach His people. तो ये भविष्य वचन था कि परमेश्वर उसके लोगों को सिखाएगा। He must teach through God. हमें परमेश्वर से ही सीखना चाहिए। Amen. Amen. Disciple came to Jesus Christ. चेले शिष्य यीशु मसीह के पास आए। And they said, they asked, Lord, teach me. और उन्होंने कहा और पूछा कि प्रभु हमें सिखा। Teach me how to pray. कैसे प्रार्थना करनी चाहिए वो हमें सिखा। And they learned from Jesus Christ. और वो यीशु मसीह से सीखे। And Jesus said, और यीशु ने कहा, Whoever comes to me, जो कोई भी मेरे पास आता है, and whatever they learn from me, और मेरे में मुझसे जो कुछ भी वो सीखते हैं, they learn from God. वो परमेश्वर से सीखते हैं। Amen. Amen. Jesus gave example. यीशु ने उदाहरण दिया। His life was example. उसका जीवन उदाहरण था। We must be as Jesus Christ. यीशु मसीह जैसा था वैसा ही हमें बनना चाहिए। 1 थिस्सलुनीकी 4 एंड 9 वर्स। पहला थिस्सलुनीकी उसका चौथा अध्याय और नौवां वचन। लर्न फ्रॉम गॉड। दे वर लर्नड फ्रॉम गॉड। वो लोग परमेश्वर से सीखे हुए थे। एनीवन कैन रीड इन इंग्लिश। कोई भी इंग्लिश में पढ़ सकता है। ओपन बाइबल। आपका बाइबल खोलो। 1 थिस्सलुनीकी 4 9। पहला थिस्सलुनीकी उसका चौथा अध्याय नौवां वचन। रीड इट। वो पढ़ो। But about loving the brothers, there is no need for me to say anything to you. I don't need to teach you. मुझे तुम्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं। For already you are learned, you have learned from God. क्योंकि आपने पहले से परमेश्वर से सीखा है। If I teach you, यदि मैं तुम्हें सिखाऊं, forgive, कि माफी दो, have cool, be cool, और ठंडे रहो। Please don't doubt. और शक मत करो। Please don't speak. कुछ भी मत बोलो। Please be calm. मेहरबानी करके शांत रहो। Be as Jesus Christ. जैसे यीशु था वैसे रहो। If I teach you, यदि मैं ये सिखाऊं, it means उसका अर्थ है, you are not learned by God. कि आपको ये बातें परमेश्वर ने नहीं सिखाई। Paul says, पौलुस कहता है, I don't have to talk to you. कि मुझे तुम्हें ये कहना और कहने की जरूरत नहीं। I don't need to teach you. मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। अरे अरे, you are already smart people. आप पहले से ही स्मार्ट हो, बुद्धिमान हो। I don't need to teach you. मुझे तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। You can teach me. आप मुझे सिखा सकते हो। You are very great people. आप बहुत महान लोग हो। Yeah, what is written? For you have the teaching of God. अरे, already you have teaching of God. आपके पास पहले से ही परमेश्वर का शिक्षण है। Rejoice!
आनंद करो. इन लॉर्ड परमेश्वर में, प्रभु में. आई डोंट वांट टू टीच यू. मैं तुम्हें सिखाना नहीं चाहता. व्हेन वी वॉक विद गॉड, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, नो वन आई नीड, मुझे किसी की जरूरत नहीं. इफ आई वॉक विद गॉड, यदि मैं परमेश्वर के साथ चलूं, आई नीड नो वन, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं. नो वन टीच मी, कोई मुझे नहीं सिखाए. व्हेन आई एम रॉन्ग, और जब मैं गलत हूं, He will teach me. तो प्रभु मुझे सिखाएगा. Before anyone get revelation, प्रकाश मिलने से पहले, प्रकटीकरण मिलने से पहले. If anyone get revelation about me, उससे पहले यदि किसी को मेरे बारे में कुछ पता चलता है, प्रकाश मिलता है. Before a prophet come before me, यदि कोई भविष्यवक्ता मेरे से पहले आता है. If a prophet come and talk to me, यदि कोई भविष्यवक्ता आकर मेरे साथ बात करता है. Before he come, और उसके आने से पहले, I know, मुझे पता चलता है what I lack, कि मेरे में क्या कमी है. what I need, मैं मुझे क्या जरूरत है. I don't need anyone, मुझे किसी की जरूरत नहीं. to teach me, मुझे सिखाने के लिए. that Elvis, this is wrong, कि Elvis ये गलत है. Elvis, this is your mistake, Elvis ये तेरी गलती है. no prophet will come before me, कोई भविष्यवक्ता मेरे सामने नहीं आएगा. to teach me, मुझे सिखाने के लिए. for God teach me before a prophet arrives, क्योंकि कोई भविष्यवक्ता आए उससे पहले परमेश्वर मुझे सिखाता है. but we say what is my mistake, लेकिन हम कहते हैं कि मेरी गलती क्या है. you just walk with God, आप परमेश्वर के साथ चलो. God will show you, परमेश्वर आपको दिखाएगा. why people will teach you, लोग आपको क्यों सिखाए. so Paul says, इसीलिए पौलुस कहता है, no need to teach you, no need to teach you, आपको सिखाने की कोई जरूरत नहीं. God has already spoken to you, परमेश्वर ने पहले से ही आपके साथ बात की. God has taught you, और परमेश्वर ने आपको सिखाया. you read Bible, आप बाइबल पढ़ो. you read Bible, very good, आप बाइबल पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है. God teach you, परमेश्वर आपको सिखाता है. what is your fault, आपकी गलती क्या है. Paul says you are already learned by God, पौलुस कहता है कि आप पहले से ही परमेश्वर से सीखे हुए लोग हो. When we receive Holy Spirit, जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है, Holy Spirit teach us, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है. We can say, हम ये कह सकते हैं, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, you are teacher, आप शिक्षक हो. you are teacher, आप शिक्षक हो. teach me, मुझे सिखाओ. teach me, मुझे सिखाओ. I need to listen you, ये मेरी जरूरत है कि मैं आपसे सुनूं. I want to listen you, मैं आपको सुनना चाहता हूँ. Gospel of John 16 chapter verse 13. यूहान का सुसमाचार 16वां अध्याय और 13वां वचन. Holy Spirit will come, पवित्र आत्मा आएगा. and will guide, और वो अगुवाई करेगा. we know guide, हमें पता है जो निर्देशक होता है, अगुवाई करने वाला. when we go the place where we don't know, जब हमें जो जगह की जरूरत पता नहीं होता है वहां हम जब जाते हैं, the guide guide us, तो जो निर्देशक होता है, जो चलाने वाला, वो हमें चलाता है. and he teaches this, what is this and what is that, और वो हमें सिखाता है कि ये क्या है और वो क्या है. when people go to Israel, जब लोग इज़राइल जाते हैं, there is one guide, तो वहां पर एक निर्देशक होता है, चलाने वाला होता है. प्रार्थन गोहिल, he is the guide over there, ये निर्देशक है, ये एक निर्देशक है. he take 110, वो एक लाख दस हजार लेता है. एनी गाइड, और फिर वो अगुवाई करता है. बट अवर गाइड, लेकिन हमारा अगुवाई करने वाला, डोंट टेक एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं लेता. ही गाइड अस इन ट्रुथ, वो सच्चाई में हमें ले जाता है. प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो. वी नीड गाइड, हमें अगुवाई करने वाले की जरूरत है. वी नीड टीचर, हमें शिक्षक की जरूरत है. वी नीड लीडर, हमें आगेवान की जरूरत है. होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, विल टीच, वो सिखाएगा. Remember his teacher. ये याद रखो कि पवित्र आत्मा शिक्षक है. Don't say, ऐसा मत कहो, I don't want to teach, I don't want to learn. कि मुझे नहीं सीखना है. I know all. मुझे सब पता है. Yeah, people say, I know all. लोग कहते हैं मैं सब जानता हूँ. Holy Spirit is teacher. पवित्र आत्मा शिक्षक है. We must welcome him. हमें उसका स्वागत करना चाहिए. You can see the world. आप ये दुनिया को देख सकते हो. How he created. कि दुनिया कैसे बनाई गई. We don't have to teach him. हमें पवित्र आत्मा को सिखाने की कोई जरूरत नहीं. Trees and green trees. पेड़ और green trees. हरे पेड़. They give
oxygen to us. वो हमें ऑक्सीजन देता है, देते हैं. And they take carbon from us. और वो हम में से कार्बन लेते हैं. God has already planned this thing. ये सारी बातें परमेश्वर ने पहले से की है. Holy Spirit is teacher. पवित्र आत्मा शिक्षक है. We can see from the creation. ये जो सृष्टि है उसमें से हम ये देख सकते हैं. How rain comes. कैसे बारिश होती है. All is been said. वो सब व्यवस्था में व्यवस्था से किया गया है. So when we talk about Holy Spirit, तो जब भी हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करते हैं, we must humble ourselves. तब हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए. We must sit on our knees. और हमें अपने घुटनों पर आना चाहिए. And we must say, और हमें कहना चाहिए, teach me, कि मुझे सिखा. And he will teach. और वो आपको सिखाएगा. Guide me. मेरी अगुवाई कर. And he will lead you, guide you. और वो आपको अगुवाई देगा और आपको चलाएगा. In all truth. वो सब सच्चाई में ले जाएगा. John 14:26. योहन्ना का सुसमाचार 14वां अध्याय और 26वां वचन. Holy Spirit will teach you all. पवित्र आत्मा आपको सब सिखाएगा. He will guide you in all truth. वो आपको सब सच्चाई में ले जाएगा. Jesus Christ prophecy. यीशु मसीह ने भविष्यवचन कहा. Holy Spirit will come. कि पवित्र आत्मा आएगा. So we have to receive Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहिए. And he speaks. और वो बोलता है. We have not listened his voice. हमने उसका आवाज नहीं सुना है. We want to listen. हम सुनना चाहते हैं. We want to listen about John. John के बारे में सुनना चाहते हैं. Holy Spirit tell me who is this. पवित्र आत्मा मुझे कह कि ये कौन है. Who is Kalpes? और Kalpes कौन है. Who is George? और George कौन है. Holy Spirit tell me. पवित्र आत्मा मुझे बता. Holy Spirit will. पवित्र Holy Spirit will. लेकिन पवित्र आत्मा tell you who you are. पवित्र आत्मा आप कौन हो वो कहेगा. But many times we talk senseless. लेकिन बहुत बार हम बिना दिमाग से बात करते हैं. We must say, teach me Bible. हमें कहना चाहिए कि मुझे बाइबल सिखा. But we talk to him because we don't know him. हम उसके साथ बात करते हैं क्योंकि हम उसको नहीं जानते. The important thing we don't learn. जो आवश्यक बात है वो ये है कि वो हम नहीं सीखते. We have interest in another things. लेकिन हमारा मन दूसरी बातों में होता है. We must have interest in his word. हमारा मन उसके वचनों में होना चाहिए. Amen. Amen. Jesus said after doing finishing his ministry. यीशु ने अपनी सेवकाई पूरी करने के बाद कहा. Matthew 28:19. मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय और 19वां वचन. Go and teach what I taught. जाओ और मैंने जो सिखाया है वो दूसरों को सिखाओ. You go and teach. आप जाओ और सिखाओ. And if we listen Jesus Christ. और यदि हम यीशु मसीह को सुनते हैं. He taught. उसने कहा. Go. जाओ. We must go. हमें जाना चाहिए. He said, teach. उसने कहा सिखाओ. We must teach. तो हमें सिखाना चाहिए. Amen. Amen. Colossians 1:28. कोलोसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और 28वां वचन. Paul says. पौलुस ने कहा. Anyone can read in English. कोई भी ये अंग्रेजी में पढ़ सकता है. Chapter 1. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 28वां वचन. Whom we are preaching. Jesus we are preaching. We are Jesus. We are preaching Jesus. हम यीशु के बारे में प्रचार करते हैं. And we want to present each one before Christ. और हर किसी को हम यीशु मसीह के सामने प्रकट करना चाहते हैं. Hello. 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 Paul says, I want to bring people to Christ. पौलुस कहता है कि मैं लोगों को यीशु के सामने लाना चाहता हूँ. I want them to present before Christ. मैं वो लोगों को यीशु के सामने लाके रखना चाहता हूँ. And now Jesus Christ, you. और अब यीशु मसीह तुम. You ask any question to my disciple. अब तुम मेरे चेलों को, मेरे शिष्यों को कोई भी सवाल करो. For we have taught our fellow brothers. All things. क्योंकि हमने हमारे भाइयों को सब बातें सिखाई है. Yeah, written in 28. ये 28वें वचन में लिखा है. Whom we are preaching, guiding and teaching every man in all wisdom. We are preaching every man. हम सब हर व्यक्ति को प्रचार करते हैं. To. Yes. In all wisdom. Why we preach people with all wisdom?
हम लोगों को सारे ज्ञान से क्यों सिखाते हैं? You can answer it. आप ये जवाब दे सकते हो. So that every man. Why we are preaching? क्योंकि हर मनुष्य. Why I am saying you read Bible? मैं ये क्यों कहता हूँ कि आप बाइबल पढ़ो? Why I say you attend the meeting? मैं ये क्यों कहता हूँ कि आप संगति में आओ? Why I say you listen me? मैं ये क्यों कहता हूँ कि आप मेरी सुनो? Why I always say that listen and teach and learn? मैं क्यों हमेशा कहता हूँ कि सुनो और सीखो और सिखाओ? Why? क्यों? Why? So that every man may be complete in Christ. So that every man be complete. क्योंकि इसीलिए कि हर व्यक्ति हर मनुष्य सिद्ध हो जाए संपूर्ण हो जाए. When a person learn, जब कोई व्यक्ति सीखता है afterward, उसके बाद he became graduate. तो वो अनुस्नातक स्नातक बनता है. And he wear black cap. और वो काली टोपी पहनता है. After learning, सीखने के बाद you get crown. उसके बाद आपको मुकुट मिलता है. People don't learn. लोग सीखते नहीं. Whole life they learn. पूरा जीवन वो सीखते हैं. But they don't learn from God. लेकिन वो परमेश्वर से नहीं सीखते. Paul says we preach and we teach with every example to bring you before Christ. पौलुस कहता है कि हम प्रचार करते हैं और सिखाते हैं सारे उदाहरण लेके आपको यीशु मसीह के सामने लाने के लिए. एंड वी वांट टू प्रेजेंट बिफोर क्राइस्ट दैट लुक दिस पीपल. और हम आपको मसीह के सामने लाके रखना चाहते हैं और कहे कि ये तेरे लोगों को देख. दे आर ऑल कंप्लीट नाउ. अब वो सब संपूर्ण है सिद्ध है. वी टीच पीपल. हम लोगों को सिखाते हैं. पॉल से पौलुस ने कहा. सो गॉड हैज चोजन अस. तो परमेश्वर ने हमें पसंद किया है. To be learned from God. कि परमेश्वर से हम सीखे इसीलिए. And we be equipped and we be complete. और हम मजबूत हो जाए और हम सिद्ध हो जाए. 2 Thessalonians 3:5-6. दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका तीसरा अध्याय और पांचवा वचन. My beloved brothers. मेरे प्यारे भाइयों. I give you commandment. Paul says. पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ. In Jesus' name, I command you. यीशु के नाम में मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ. If I say I command you in Jesus' name, यदि मैं कहूँ कि मैं तुम्हें यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ. Read Bible. Bible पढ़ो. And in Jesus' name, you don't read Bible. और यीशु के नाम में आप Bible ना पढ़ो. Then my command is empty. तो मेरी जो आज्ञा है वो खाली है, बिना वजन की है. We say in Jesus' name, get healed. हम ये कहते हैं यीशु के नाम में कि चंगा हो जा. We say in Jesus name come out demons. और हम यीशु के नाम में कहते हैं कि दुष्ट आत्मा निकल जा. We command people in Jesus name. हम लोगों को यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं. We command demons in Jesus name. दुष्ट आत्माओं को हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं. We command situation in Jesus name. परिस्थितियों को हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं. Paul says. पौलुस ने कहा. I command you. मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ. In Jesus name. यीशु के नाम में. Look. At each people who are the followers. जो कोई भी अनुसरण करने वाले हैं वो सबको देखो. Do they exactly walk according to Jesus? और यीशु जैसे चला उसी तरह से क्या ये लोग चल रहे हैं? Do they follow our teachings? और हमने जो सिखाया है उसका अनुसरण वो कर रहे हैं? We must be with one faith. हम सबका एक ही विश्वास होना चाहिए. We must be united in one faith. और एक ही विश्वास में हम सबकी सहमति होनी चाहिए. And if someone argue or oppose, और यदि कोई विरोध करता है या विवाद करता है, we must search it. तो हमें उसको ढूंढना चाहिए. So that they don't be away from the blessing. इसीलिए कि वो लोग आशीर्वाद से अलग ना हो जाए. To bless them. उनको yeah. Paul says to bless them. Yes. यहाँ पौलुस कहता है कि उनको आशीर्वाद मिले. In Philippians 4:9. फिलिपी की पत्री चौथा अध्याय और नौवां वचन. Paul says. पौलुस ने कहा. You saw us. तुमने हमें देखा. You have examined and you have studied us. तुमने हमारा अभ्यास किया और हमारी परीक्षा की. Who knows you very well? I will ask. मैं ये कहूँगा कि आपको अच्छी तरह से कौन जानता है? And you will say my husband, my wife. और आप कहोगे मेरा पति और my children knows me very well. मेरे बच्चे मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. Even your father don't know, I know you. केवल तुम्हारा पिता आपको नहीं जानता है, तुम उससे बेहतर मैं जानता हूँ. If you have
stayed with me, यदि आपने मेरे साथ रहे हो, you can say we know you, Elvis Pastor. तो तब आप कह सकते हो कि हाँ, Elvis Pastor, मैं आपको जानता हूँ. Paul has established this Philippi church. पौलुस ने फिलिपी की मंडली जो थी, कलीसिया थी, उसको उसकी स्थापना की थी. Found, he was the founder. वही उसका वो मंडली का स्थापक था. He baptized people. उसने वो लोगों को बपतिस्मा दिया. And this whole Philippians church was Paul church. और ये फिलिपी की जो कलीसिया थी, वो पौलुस के पौलुस की कलीसिया थी. And in many times he said, cheer up, rejoice in Lord. और बहुत बार उसने कहा कि आनंद करो, प्रभु में आनंद करो. And in 9 verses he says. और नौवें वचन में वो कहता है. The things which came to you by teaching and preaching. And which you saw in me, जो बातें तुमने मुझ में देखी, if you follow this, और यदि वो बातों के पीछे आप चलते हो, if you do as we did, और जैसे हमने किया वैसे यदि तुम करते हो, you saw us in every situation, आपने मुझे हर सिचुएशन हर परिस्थिति में देखा, how was my expression. मेरा एहसास कैसा था. हाउ आई रिएक्ट. और मैंने कैसे वर्तन किया. यू सॉ मी. वो सब आपने देखा. इफ यू फॉलो दिस. और यदि वो सारी बातें आपका उसका अनुसरण करो. पीस ऑफ गॉड विल बी अपॉन यू. तो परमेश्वर की शांति आपके ऊपर रहेगी. गॉड विल विथ यू. गॉड परमेश्वर आपके साथ रहेगा. इफ यू वॉन्ट गॉड बी विथ अस. यदि आप ऐसा चाहते हो कि परमेश्वर हमारे साथ रहे, we can say God, God, you be with us. तो आप ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहे. Say, you can say. आप कहो, say it. आप कहो, God be with me. परमेश्वर मेरे साथ है. 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 Amen. Amen. Paul said, if you want God be with you. पौलुस ने ऐसा कहा कि यदि आप ऐसा चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ रहे, do as I did. जैसे मैंने किया वैसा करो. Jesus said, यीशु ने कहा, if you teach my teaching, यदि मैंने जो सिखाया है वो तुम सिखाओ. If you follow, यदि आप मेरा अनुसरण करो, I will be with you. तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. Lord, talk to Joshua. प्रभु ने यहोशुआ को सिखाया. I was with Moses. कि मैं मूसा के साथ था. And if again I shall tell you, और फिर से मैं तुम्हें ये बात कहूँ, if you walk with me and obey me, तू मेरे साथ चले और मेरी आज्ञाओं को माने, I will be with you, तो मैं तेरे साथ रहूँगा. Don't say God is with all. ऐसा मत कहो कि परमेश्वर सबके साथ है. God is with them who please God. जो परमेश्वर को खुश करते हैं उनके साथ ही परमेश्वर रहता है. So Jesus said, इसीलिए यीशु ने कहा, My father has not left me alone. मेरे पिता ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है. He is with me. वो मेरे साथ है. For I believe and for I please every time. क्योंकि मैं उसमें विश्वास करता हूँ और उसे हर बार खुश करता हूँ इसलिए. Whatever he is pleased with, I do it. जो जिससे उसे खुशी मिलती है वो सारी बातें मैं. I do every time, so he is with me. हर बार मैं वो करता हूँ इसलिए वो मेरे साथ है. We can read again verse 9 in Hindi. We can read. फिलिपी 4 उसका नौवां वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे फिर से. जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी उन्हीं का पालन किया करो. You follow this. आप ये बातों का पालन किया करो. What will happen? तो क्या होगा? तब परमेश्वर जो शांति का स्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा. Amen. Amen. Well. And you, and wherever you want to go, you go. He will be with you. जहाँ कहीं भी आप जाना चाहते हो, आप जाओ, वो आपके साथ रहेगा. Yes, yes, what? हाँ, सही बात है. परमेश्वर की महिमा हो. In English, अंग्रेजी में. Whatever you have learned, तुमने जो कुछ भी सीखा है, और received from me, और मुझसे ग्रहण किया है, और heard from me, और seen in me, और you have looked and watched and see, और आपने देखा और मेरे से सुना और मेरे में देखा है. Put it into practice. You do it in practice. उसको कार्य में पालन करो. If you saw humbleness from pastor, यदि आपने पासपान से नम्रता सीखी है, देखी है, you learn and you do. तो आप वो सीखो और करो. If you see, I forgive people. यदि आपने ऐसा देखा है कि मैं लोगों को माफ करता हूँ. Forgive and forget.
माफ करता हूँ और भूल जाता हूँ. यू डू इट. तो आप भी वो करो. माई गॉड विल बी विद यू. तो मेरा परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा. पॉल सेज. पौलुस ने कहा. इफ यू डू एज आई डिड. जैसे मैंने किया वैसे यदि आप करो. द स्पिरिट हु इज लीडिंग मी. तो जो आत्मा मेरी अगुवाही करता है. ही विल ऑल्सो बी विथ यू. वो आत्मा भी आपके साथ रहेगा. इन वर्स फर्दर वर्स 12 और आगे 12वां वचन. Paul says, "Look at me." पौलुस कहता है कि मेरे मुझे देखो. I was poor. कि मैं दीन था. You can see me. आप मुझे देख सकते हो. I became poor. मैं दीन बना, नम्र बना. I know what is poorness. मैं ये जानता हूँ कि कंगालियत क्या है. I know what is suffering. और मैं दुख उठाना क्या है वो भी जानता हूँ. In verse 11-12, anyone can read in English. 11वां वचन और 12वां वचन कोई भी अंग्रेजी में पढ़ सकता है. But I will not say anything about my needs, for I am avail, whatever I am, to be dependent on myself. I have learned. मैंने to be satisfied. संतुष्ट रहना मैंने सीखा है. If you have learned from God, यदि हमने परमेश्वर से सीखा है, you will be satisfied. तो आप संतोष रहोगे. If God slept. यदि परमेश्वर तमाच मारता है. यू विल बी सैटिस्फाइड. तो भी आपको संतुष्टि लगेगी. प्रेज़ गॉड. परमेश्वर की महिमा हो. इफ ही गिव वन टाइम भोजन. यदि वो एक ही समय का खाना देता है. वन टाइम मील. एक समय का भोजन देता है. एंड यू से. और फिर भी आप कहो. थैंक यू जीसस. यीशु धन्यवाद. टिल इवनिंग आई डोंट थिंक एंड टिल नाइट आई डोंट थिंक दैट आई विल नीड. शाम तक या तो रात तक मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे कुछ लेना पड़ेगा. I learned satisfaction. संतोष को मैंने सीखा है. I have been satisfied. और मैं संतुष्ट हूँ. In 12 words. 12वां वचन. I know what is poorness. मैं जानता हूँ कि दीन होना क्या है, गरीब होना क्या है. I know what is riches. और धनवान होना, धनी होना क्या है वो भी मैं जानता हूँ. I have learned each things. मैंने सब बातें सीखी है. I have been habited. और ये सारी बातों की मुझे आदत है. But if we are not habit, we are not heavy habit. और यदि हमें ये आदत नहीं है. We are not learned. तो हम सीखे हुए नहीं हैं. I had bike before. पहले मेरे पास बाइक थी. And three people I make them sit. और तीन लोगों को मैं बाइक पर बिठा था. And I sit on tank. और मैं अगली टंकी पर बैठता था. And my seat would get I was not able to sit. मैं बैठ नहीं सकता था और मेरे पीछे दुखता था, वो गर्म होता था. I don't have pain, but it is like that. I don't have seat. मुझे दुखता नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कुछ भी नहीं है. ऐसा होता था, ऐसा लगता था. I was not habited like that. उसके लिए मेरी ऐसी आदत नहीं थी ऐसे बैठने की. बट आई लर्न इट. लेकिन मैंने वो सीखा. एंड आफ्टरवर्ड. और उसके बाद. दैट बिकेम हैबिट. उसके बाद वो मेरी आदत बन गई. सो पीपल कैन से. तो इसीलिए लोग कह सकते हैं. डोंट यू गेट पेन. कि आपको क्या दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता. बट दैट इज माई हैबिट. लेकिन ये तो मेरी आदत है. प्रेज़ गॉड. परमेश्वर I without money I have learned. पौलुस कहता है कि बिना पैसे से भी मैंने सीखा है. We don't go out without money. हम पैसे के बिना बाहर नहीं जाते. 10-20 rupees we just keep it. 10-20 रुपया हम रखते हैं हमारे साथ. We keep it. वो हम रखते हैं. Without money we don't go out. हम पैसे के बिना बाहर नहीं जाते. Paul says without money I go. पौलुस ने कहा कि पैसे के बिना मैं गया. If no money. यदि पैसा नहीं. आई डोंट से लॉर्ड आई डोंट हैव मनी आई कैन नॉट गो आउट. तो मैं ऐसा नहीं कहता कि प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है तो अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा. बट यू से. लेकिन तूने कहा. गो देयर. वहां जा. आई विल गो. तो मैं जाऊंगा. विदाउट मनी. पैसे के बिना भी जाऊंगा. पॉल लर्न थिंग्स. पौलुस ने बातें सीखी. बट वी डिपेंड ऑन थिंग्स. लेकिन हम ऐसी बातों के ऊपर आधार रखते हैं. पॉल
says that I have been satisfied. Paulus aisa kehta hai ki main santoshi hu. Really, if you are learned from God, yadi sach mein aap parmeshwar se sikhe hue ho to you will be satisfied. To aap santusht rahoge. You will no more need to go to places to learn. आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कुछ जगह पे जाओ और सीखो. If the master teaches, यदि मालिक सिखाता है, why we go to student? तो हम विद्यार्थियों के पास क्यों जाए? If master teach, यदि मालिक सिखाता है, that is final. तो वो final होता है. Yes, God. परमेश्वर की महिमा. We must always learn from God. हमें परमेश्वर से ही हमेशा सीखना चाहिए. Amen. Amen. Two more things and I finished. दो और बातें मैं कहूंगा और पूरा करूंगा. James 5:10. याकूब की पत्री पांचवा अध्याय और दसवां वचन. James the apostle says, याकूब जो प्रेरित था वो कहता है, you know about Job? आपको क्या अय्यूब के बारे में पता है? He suffered. वो उसे बहुत दर्द हुआ, दुख हुआ. He lost everything. उसने सब कुछ खो दिया. Still he praised the God. फिर भी उसने परमेश्वर की स्तुति की. You see the example. आप उस उदाहरण को देखो. Can you learn from him? उसमें से उससे क्या आप कुछ सीख सकते हो? Jacob says. याकूब कहता है. My brother. मेरे भाई. If you are in grief. यदि आप निराशा में हो, दुखी हो. You are sad. यदि आप दुखी हो. See Saint Job. तो जो संत अय्यूब था उसे देखो. See this example. ये उदाहरण देखो. Do you suffer like that? क्या आपने अय्यूब के जैसे दुख उठाया है? Do you experience Job? और अय्यूब का जो अनुभव था वो अनुभव आपको क्या हुआ है? He has mastery in suffering. उसने दुख उठाने में वो मास्टर बन गया था, मालिक बन गया था. Only two abuse words if we listen. केवल दो ही गलत शब्द हम अगर सुने, we get frustrated. तो हम निराश हो जाते हैं. We get angry. और हम गुस्सा हो करते हैं. And we say one more word. और हम ऐसा कहते हैं कि और एक और शब्द. I will beat you. यदि एक और शब्द निकला तो मैं तुम्हें मारूंगा. We have example of Job. हमारे पास अय्यूब का उदाहरण है. He is the best example your apostle use. यहाँ पर प्रेरित एक उत्तम उदाहरण अय्यूब के बारे में उपयोग करता है. Learn from this prophet. ये प्रभु ये भविष्यवक्ता से सीखो. Learn from all prophets. और सारे भविष्यवक्ताओं से सीखो. How they walk with God. कैसे वो परमेश्वर के साथ चले. अय्यूब was learned. He completed his learning. अय्यूब सीखा हुआ था. उसने जो उसको सीखना था वो सब उसने सीख लिया था. But little bit we suffer and we shout. लेकिन थोड़ा हमें दुख आता है और हम चिल्लाने लगते हैं. We know Jesus Christ, he suffered. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने दुख उठाया. Still he confessed and he blessed people. फिर भी उसने कबूल किया और उसने लोगों को आशीर्वाद दिया. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Really if we are learned from God. यदि सच में हम परमेश्वर से सीखे हुए हैं तो we will say and we will be example to people. तो हम भी लोगों के लिए एक उदाहरण बनेंगे और हम वही कहेंगे. Paul says in 1 Corinthians 2:2. पहला कुरंथी उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन. पौलुस कहता है, I met you, मैं ओ कुरंथी पीपल, ओ कुरंथी के लोग, मैं तुम्हें मिला. I just sat with you, मैं तुम्हारे साथ बैठा. And I was not interested in knowing you. और मैं तुम्हें जानने के लिए मेरा रस मन नहीं था. पहला कुरंथी दूसरा अध्याय दूसरा वचन. I was just interested to know Christ. मैं केवल यीशु मसीह को जानने के लिए ही मेरा मन लगाता हूँ. I abide with you. मैं तुम्हारे साथ जुड़ा हूँ. But I don't wanted to know you. लेकिन मैं तुम्हें जानना नहीं चाहता था. I wanted Christ. मैं मसीह को जानना चाहता. I wanted to know Christ. मैं मसीह को जानना चाहता था. And if we are interested to know Christ. और यदि हम मसीह को जानना चाहते हैं, उसमें हमारा मन है. Then we are learning. तो हम सीख रहे हैं.
Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. Jesus Christ also gave many examples. यीशु मसीह ने भी बहुत सारे उदाहरण दिए. To teach people. लोगों को सिखाने के लिए. But we must learn from God. लेकिन हमें परमेश्वर से ही सीखना चाहिए. Amen. Amen. God humbleness we must learn. परमेश्वर की नम्रता हमें सीखनी चाहिए. God patience we must learn. परमेश्वर की धीरज हमें सीखनी चाहिए. God love we must love. परमेश्वर का we must learn. परमेश्वर का प्यार हमें सीखना चाहिए. God forgiveness we must learn. परमेश्वर की जो माफी है देने का स्वभाव है वो हमें सीखना चाहिए. God how handle the situation we must learn. और परिस्थितियों को परमेश्वर कैसे निपटाता है वो हमें सीखना चाहिए. In every situation we must learn from God. सब परिस्थितियों में हमें परमेश्वर से ही सीखना चाहिए. How must we act we must learn from God. और हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए वो भी हमें परमेश्वर से सीखना चाहिए. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें. Father, thank you for your word. पिता आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद. In Jesus name we want to learn from you. यीशु के नाम में हम आपसे सीखना चाहते हैं. For your word say that who learn from the scriptures are blessed. क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कोई भी शास्त्र से बाइबल से सीखा हुआ है वो आशीर्वादित है. Your word say that you will teach us. आपका वचन कहता है कि आप हमें सिखाओगे. And Jesus you say और यीशु आपने ये कहा Holy Spirit will come. कि पवित्र आत्मा आएगा. He will guide you. और वो आपकी अगुवाई करेगा. He will teach you. वो आपको सिखाएगा. He will lead you. वो आपको चलाएगा. He is leader. वो आगेवान है. He is teacher. वो शिक्षक है. Holy Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा हम आप में विश्वास करते हैं. You always teach us. आप हमेशा हमें सिखाओ. In every situation, how to behave. हर परिस्थिति में कैसे बर्ताव करना चाहिए. How to act. कैसे बर्ताव करना चाहिए. How to speak. कैसे बोलना चाहिए. How to act. और कैसे कार्य में लाना चाहिए. You teach. वो आप हमें सिखाओ. You tell us. आप हमें कहो. How to react. कि कैसे बर्ताव करना चाहिए किसी के सामने. Holy Spirit, we believe in you. पवित्र आत्मा हम आप में विश्वास करते हैं. We give our life in your hands. हम हमारा पूरा जीवन आपके हाथों में देते हैं. And we say that you are our teacher. और हम ये कहते हैं कि आप हमारे शिक्षक हो. And we want that you teach us. और हम ये चाहते हैं कि आप हमें सिखाओ. Holy Spirit, you are teacher. We confess it. पवित्र आत्मा आप शिक्षक हो ये हम कबूल करते हैं. And we sit down at your knee, at your feet. और आपके कदमों के सामने हम बैठते हैं. We bow down ourselves. और अपने आप को हम झुकाते हैं. And we want to study and learn. और हम अभ्यास करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं. We just want to learn from you. हम केवल आपसे ही सीखना चाहते हैं. You have created all the things. आपने सारी बातों को उत्पन्न किया है. And all is perfect. और सब संपूर्ण सिद्ध है. We also want to be perfect. हम भी संपूर्ण होना चाहते हैं. Holy Spirit, we want to be best teacher. पवित्र आत्मा हम उत्तम शिक्षक बनना चाहते हैं. We want to be best prophet. और हम उत्तम भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं. We want to be best pastor. और हम उत्तम पासवान बनना चाहते हैं. We want to be best what you want to make. और आप जो कुछ भी बनाना चाहते हैं उसमें हम उत्तम बनना चाहते हैं. You make us. आप हमें बनाओ. We want that you be teacher. You be guide. हम ये चाहते हैं कि आप हमारे शिक्षक बनो. आप हमारे चलाने वाले बनो. In Jesus name we request you. यीशु के नाम में हम ये विनती करते हैं. We pray to you. हम आपसे प्रार्थना करते हैं. Holy Spirit. पवित्र आत्मा. Make us as you want. जैसे आप चाहते हो वैसे हमें बनाओ. We are your mud and you are our potter. हम आपके हाथों की मिट्टी है और आप हमारे कुम्हार हो. We are dust. हम मिट्टी है. And you are our maker. आप हमारे बनाने वाले हो. You make us. आप हमें बनाओ. You make us. आप हमें बनाओ. In every situation we will be as you want. जैसे आप चाहते हो वैसे ही हम हर परिस्थितियों में रहेंगे. So that you be with us. इसलिए कि आप हमारे साथ रहो. Once again, thank you for your word. फिर से एक बार आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद. Make us satisfied. हमें संतुष्ट कर. Be with us. हमारे साथ रहे. And open our ears. और हमारे कानों को खोल. Open our eyes. हमारी आँखों को खोल. So we can know you. इसलिए कि हम आपको जान सके. You are best God. आप उत्तम परमेश्वर हो. Best example. आप उत्तम उदाहरण हो. And we want to follow you. और हम आपके पीछे चलना चाहते हैं. Make us your children. हमें आपके बालक आपके बच्चे बनाओ. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. Let's pray. Close our eyes and pray what Lord taught.
हमारी आंखें बंद करें और प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Our Father, Pita in heaven, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, Holy is thy name, तेरा नाम पवित्र माना जाए, Thy kingdom come, तेरा राज्य आए, As it is in heaven, let be on earth, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us our daily bread, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, And forgive our debts, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, As we forgive जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ला, But deliver us from all evil, लेकिन बुराई से हमें बचा। For we believe thine is kingdom, क्योंकि हम विश्वास करते हैं राज्य तेरा है, thine is power, पराक्रम भी तेरा है, thine is glory, और महिमा भी तेरी, forever, सदा के लिए, amen, amen, the grace of our Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, the love of our dear God, और हमारे प्यारे परमेश्वर का प्यार, and fellowship of Holy Spirit, और पवित्र आत्मा की सहभागिता, be with us, हमारे साथ बनी रहे, and be with all who are with Christ, और जो कोई भी मसीह के साथ है वो सबके साथ बनी in Jesus name, यीशु के नाम में, amen, amen, we can shout, praise God, परमेश्वर की महिमा हो, God bless you, परमेश्वर आपको आशीषित करे, amen।